दो फोन्स, पहला आईक्यू नियो 7 प्रो एंड दूसरा वन प्लस नोट 3, दोनों की प्राइसिंग काफी सिमिलर है। 33999 में बेस वेरिएंट आता है एंड यही पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ऑप्ट करें। तो पहले बाहर तो निकाले, तो आईक्यू का कलर है डार्क स्टोन, इसमें एक और कलर आता है फियरलेस फ्लेम, वही वन प्लस का हमारा टेम्पेस्ट ग्रे है और इसमें एक मिस्टी ग्रीन भी आता है। एंड अगर यहाँ पे लुक से जज किया जाए तो आईक्यू का कुछ ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेस है वो थोड़ी कर्व की गई है, डुअल टोन कलर है। बाय द वे जो इसमें कैमरा यूज किया गया है वो सेम आईक्यू 11 वाला सेटअप यूज किया है, जो कि फोटोग्राफ्स आगे देखने को मिलेगी, तो ये मॉड्यूल भी काफी ज्यादा कूल लग रहा है। वही अगर वन प्लस पे आए तो एकदम फ्लैट डिजाइन, कोई ज्यादा कर्व नहीं, मतलब बार शेप में आ रहा है। एंड बाकी काफी लोग ऐसे भी होंगे कि यार वन प्लस ज्यादा बेटर लग रहा है, तो लुक सब्जेक्टिव चीज है। मेरा ओपिनियन ये है कि आईक्यू वाला कुछ ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, इन हैंड एक्सपीरियंस भी प्रीमियम है। हालांकि अगर थिकनेस पे आए तो वन प्लस नोट 3 8.2 mm एंड आईक्यू नियो 7 प्रो 8.5 mm, लेकिन आप खुद देखो कि ऐसा लगेगा कि आईक्यू नियो 7 ज्यादा थिन है, एंड मे बी द रीजन इज इसका कर्व डिजाइन। इसके बाद दोनों डिवाइसेस का वेट अप्रोक्स सिमिलर है, नोट 3 193 ग्राम और नियो 7 प्रो 197 ग्राम। अब दोनों डिवाइसेस में कुछ कॉमन चीजें हैं, लाइक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईआर ब्लास्टर ऑन टॉप, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल सिम स्लॉट, फ्लैट डिस्प्ले, लेकिन जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो डिफरेंट है। आईक्यू नियो 7 प्रो पे आपको स्कोर सेंसेशन अप प्रोटेक्शन मिल रही है, वहीं वन प्लस नोट 3 पर ड्रैगन टेल प्रोटेक्शन। तो दोनों डिवाइस वैसे तो काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड एज सच फील नहीं आता कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी पीछे है। बाकी दोनों में ही आपको बैक ग्लास मिल रही है। दोनों ही डिवाइसेस वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट के साथ आते हैं, आईक्यू नियो 7 प्रो में IPX2 रेटिंग एंड यहां पे IP54। बाकी दोनों ही डिवाइसेस को डुबोने की जरूरत नहीं है क्योंकि जान जा सकती है, तो अगर थोड़े बहुत स्प्लैशेस, स्वेट ये सब आ रहा है तो वो झेल जाएंगे। अब दोनों ही डिवाइसेस को गेमिंग के नाम पे काफी उछाला जा रहा है, तो डेफिनेटली गेमिंग के लिए इसमें कुछ एडिशनल किया गया है, लाइक वेपर कूलिंग चैम्बर मिल रहे हैं। तो आईक्यू का जो वेपर कूलिंग चैम्बर है वो है 4013 mm² का एंड नोट 3 का है 4128 mm², अराउंड 100 mm² का डिफरेंस है। बट ये डिफरेंस यहाँ पे आईक्यू नियो 7 एक चीज से बहुत मस्त बीट करता है, विच इज डुअल चिप। अब देखो आईक्यू के काफी सारे डिवाइसेज में आपने डुअल चिप सुना होगा, डुअल चिप का मतलब है कि एक तो आपको सीपीयू यानी कि प्रोसेसर मिल रहा है और एक एडिशनल इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप मिल रही है, जो कि फ्रेम रेट इंटरपोलेशन करके किसी भी गेम को 90 FPS से लेके 120 FPS में रन करेगी एंड इसके साथ आपको बेस्ट बैटरी बैकअप और कम हीटिंग इश्यूज मिलते हैं। एंड इस चीज को और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क स्कोर रन किए एंड जो आईक्यू नियो 7 प्रो था ये बहुत जल्दी से पूरा टास्क कंप्लीट करके स्कोर दे देता है। एंड वन प्लस नोट 3 ने एक तो स्कोर काफी कम दिए हैं प्लस काफी ज्यादा टाइम लिया है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज और थी कि जो आईक्यू नियो 7 प्रो है इसने जो पूरा अंतुतु बेंचमार्क स्कोर वाला टास्क था ये हाफ टाइम में कंप्लीट कर दिया, तो परफॉर्मेंस के मामले में तो क्लियर विनर आईक्यू नियो 7 प्रो ही है। तो यहाँ से थोड़ा पता चल जाता है कि जो इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप है प्लस स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वो मीडियाटेक की डायमेंसिटी 9000 से तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद दोनों ही डिवाइसेस में आपको गेमिंग मोड मिलते हैं और ये आईक्यू में अल्ट्रा गेमिंग मोड के नाम से आता है और वन प्लस में गेम इंजन मोड के साथ। तो थोड़ा ये जो प्रोसेसर एंड जीपीयू की पीक परफॉर्मेंस है वहां पर पुश करके आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ एडिशनल फीचर गेमिंग से रिलेटेड आईक्यू नियो 7 प्रो में, लाइक मोशन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आप गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप 2 या 4 फिंगर क्लोज है 6 या 8 पे जंप कर सकते हो। जैसे ही आप डिवाइस साइड से टिल्ट करोगे आप यहाँ पे जो भी एक्शन चाहे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लीन मोड या फिर स्कोप मोड, कुछ भी आप सेलेक्ट करके बहुत ज्यादा बेटर गेमिंग कर सकते हो। मतलब मोशन कंट्रोल से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि 2 या 4 फिंगर क्लो में एडिशनल बेनिफिट देगा, मतलब 2 एक्शन या 3-4 एक्शन तो बढ़ा ही दोगे। इसके बाद यहाँ पे जायरोस्कोपिक एनहेंसमेंट मिलता है जिसमें आप सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जिसकी वजह से जब आप गेमिंग में जायरो यूज करते हो तो वो काफी एक्यूरेटली काम करेगा। प्लस 4D गेम वाइब्रेशंस दी है फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस, तो एक चेरी ऑन द केक हो जाता है। बट जो सबसे बड़ा चेरी है केक पे, आईक्यू नियो 7 प्रो इंस्टेंटली 1200 हर्ट्ज के इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट पे चला जाता है, जिससे आपके जो एक्शन है यानी कि आप हिट कर रहे हो या व्हाटएवर बहुत क्विकली रजिस्टर होता है। तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में तो ये पीछे रहने वाला ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। बट हर बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका डिस्प्ले कंसर्न रहता है, तो आईक्यू नियो 7 प्रो में आपको 6.74 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, इंस्टेंटली तो 1200 हर्ट्ज पे जाता है गेमिंग के टाइम पे। 1 बिलियन कलर ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, HDR10 प्लस सपोर्ट करता है, 1300 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है और यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट मैंने आपको बताया 120 हर्ट्ज, आप इसको स्मार्ट में 60, 90 या 120 पे यूज कर सकते हो। और एडिशनली इसमें विजुअल एनहेंसमेंट के लिए HDR to HDR एल्गोरिथम्स यूज किया है। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, जब आप बिल्डिंग, लैंडस्केप या पीपल देखोगे स्क्रीन पे तो वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो जाती है। वहीं अगर वन प्लस पे आए
तो नोट 3 में आपको 6.74 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 1 बिलियन कलर, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, तो टच सैम्पलिंग रेट थोड़ा कम है। बाकी HDR 10 प्लस भी सपोर्ट करता है, 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस। एंड मैंने यार डे लाइट में जाके देखा, इवन HDR कंटेंट भी प्ले किया तो 150 निट्स का जो ब्राइटनेस का डिफरेंस आ रहा है वो आप डायरेक्टली आई से नहीं देख पा रहे हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा है कि नहीं है, जो पीक ब्राइटनेस है वो वन प्लस नोट 3 की ज्यादा है, बट एज सच डिफरेंसेस नोटिस नहीं होते। एंड बाकी हाँ, दोनों का डिस्प्ले एक नंबर है, आपको कुछ भी एज सच डिफरेंसेस नोटिस नहीं होंगे कि इसका अच्छा है इसका बुरा है, सेम ही है। बस जो डिस्प्ले साइज है वो टच सैम्पलिंग रेट है वो आपको आईकू नियो 7 प्रो में ज्यादा मिल रहा है, वही वन प्लस नोट 3 में आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे जो दोनों डिवाइसेज है मेरे पास टॉप एंड वेरियंट है 12x256GB वाले, एंड दोनों में ही आपको रैम एक्सपेंशन मिलता है। आईकू नियो 7 में जो आपको रैम एक्सपेंशन 3.0 मिल रहा है, यहाँ पे आप 8GB और एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि टोटल 20GB। वही वन प्लस नोट 3 में आपको जो रैम एक्सपेंशन है वो 12GB का मिल रहा है, यानी कि टोटल 24GB यहाँ पे रैम हो जाती है वर्चुअल एडिशनल होके। और यहाँ पे जो रैम एक्सपेंशन वाली चीज है ये सेम आपको बेस वेरिएंट में भी देखने को मिलती है, बट दोनों ही डिवाइसेस पे इसका परफॉर्मेंस का कोई डिफरेंस नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा कर सकते हो, बैकग्राउंड में एप्स ज्यादा ओपन करके रख सकते हो, बाकी जो आप ऐप यूज कर रहे होगे वो जो इनबिल्ट रैम है असली वाली उसी पे चलेगा। अब यहाँ पे जो असली चीज है वो ये है, तो दोनों ही डिवाइसेज में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन आईकू नियो 7 प्रो के साथ आपको पावर डिलीवरी मिलती है वो 120 वोल्ट। अब पावर डिलीवरी का मतलब ये है कि आप इसी सेम चार्जर से अपने लैपटॉप या अदर जो यूएसबी टाइप सी अप्लायंसेस है जो पावर डिलीवरी सपोर्ट करते हैं वो ये कर पाएगा। एंड इस चार्जर के साथ आईकू नियो 7 प्रो का जो चार्जिंग टाइम है 1 to 50% 8 मिनट और 100% इन 25 मिनट। वही वन प्लस नोट 3 में आपको एक सुपर वूक चार्जर मिलता है 80 वोल्ट वाला, कोई पावर डिलीवरी नहीं है, तो आप सिर्फ फोन ही चार्ज कर पाओगे 1 to 50% इन 12 मिनट और 100% चार्ज ये 32 मिनट में हो जाता है। तो दोनों ही चार्जर 7 मिनट का डिफरेंस ला रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है उनके लिए मैटर करेगा, बाकी चलने तो। और हाँ, दोनों ही फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एक सैंपल सुनो पहले। तो यहाँ पे अगर लाउडनेस आपने नोटिस की होगी तो वन प्लस नोट 3 की जो लाउडनेस है वो काफी ज्यादा है, एंड आवाज भी भारी आ रही है, मतलब थोड़ी दमदार सी आवाज। वहीं जो आईकू नियो 7 प्रो है ये इतना ज्यादा लाउड नहीं है जितना वन प्लस नोट 3, बट इसकी ऑडियो क्वालिटी में एक चीज जो नोटिस की वो है शार्प एंड क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी। मतलब यहाँ पे जो हाईज है और मिड्स है वो थोड़ी इंक्रीज की हुई है, नोट 3 की थोड़ी लो ज्यादा है फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है, थोड़ा शार्प और क्रिस्टल क्लियर सुनना पसंद है तो आईकू, लाउड और भारी आवाज चाहिए तो वन प्लस। चार्जर हटा दो, डरा रहे हैं इतने बड़े बड़े, पहले पिद्दू पिद्दू से आते थे। तो मैंने आपको बताया था कि आईकू नियो 7 प्रो में जो रियर कैमरा सेटअप है वो कंप्लीट आईकू 11 वाला मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा यूज किया गया है वो है 50 मेगापिक्सल f1.9 विद OIS, सेंसर इज GN5 अल्ट्रा सेंसिंग, सेकेंडरी कैमरा इज 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड जो थर्ड यूज किया है वो है 2 मेगापिक्सल का सुपर माइक्रो लेंस। इसके बाद वन प्लस नोट 3 में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है 50 मेगापिक्सल f1.8 विद OIS, सोनी का IMX890 सेंसर यहाँ पे यूज किया है, सेकेंडरी कैमरा इज 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है 112 डिग्री है। आईकू नियो 7 का मैं बताना भूल गया था, 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड, 8 डिग्री ज्यादा बेटर कवरेज मिल जाएगी वाइड कवरेज अल्ट्रा वाइड। तो वन प्लस नोट 3 में 112 डिग्री 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। अब यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले जो अल्ट्रा वाइड फोटोज है वो डेफिनेटली ज्यादा बेटर कवरेज आपको आईकू नियो 7 प्रो पे मिल रही है, 8 डिग्री बहुत हो जाता है। अब अगर वाइड फोटोग्राफ्स पे आए तो वन प्लस नोट 3 में आपको एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फोटोग्राफ्स मिल रहे हैं, वहीं आईकू नियो 7 प्रो में जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको कूल टोन के साथ मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आई कैची थी वो थी आईकू नियो 7 प्रो की वीडियोग्राफी। तो सबसे पहली चीज, आईकू नियो 7 प्रो में आपको बुके यानी कि पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी मिल रही है, 4K at 60 FPS का सपोर्ट है। और हाँ, वन प्लस नोट 3 में भी 4K at 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट या बुके वीडियोग्राफी का ऑप्शन नहीं है। एंड दोनों में OIS मिल रहा है, लेकिन आईकू नियो 7 प्रो की जो वीडियोज है वो काफी ज्यादा स्टेबल है अगर कंपेयर करोगे वन प्लस नोट 3 से। एंड वन प्लस नोट 3 के वीडियोज में काफी ज्यादा जर्क आ रहे हैं और बीच बीच में ये फ्रेम को मिस भी कर रहा है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंड वीडियोग्राफी में आईकू नियो 7 प्रो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, जिसको वन प्लस नोट 3 नहीं बीट कर पा। अब काफी लोग बोलेंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो ये दोनों डिवाइस मेरे दोस्तों के, और अगर स्पॉन्सर्ड भी होता ना तो ओपिनियन तो जेन्युइन ही मिलना था। इसके बाद दोनों डिवाइसेज के अगर फ्रंट कैमरा पे आए तो दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं, दोनों में ही ब्यूटी मोड ऑफ है। वन प्लस
में थोड़े आपको ब्राइट फोटोज मिल रहे हैं, वहीं आईकू नियो 7 एकदम नेचुरल फोटोग्राफी, जो मेरी एक्चुअल टोन है, स्किन टोन, वो शो कर रहा है। अब काफी लोग होते हैं कि हमें पाउडर वाउडर नहीं चाहिए और कुछ को चाहिए, तो आईकू नियो 7 प्रो में आपको ब्यूटी मोड तो मिल रहा है और जब आप इसे ऑन करोगे तभी वो असर दिखाएगा, लेकिन वन प्लस नोट 3 थोड़ा ब्यूटी मोड वाला टच देता है ऑफ करने के बाद। एंड यही वो मेजर डिफरेंसेस थे जो कंपैरिजन में कवर किए जाने थे, जो कि मैंने कर दिए। तो ये दोनों ही डिवाइसेस जिस प्राइसिंग पे आ रहे हैं ये अपनी पूरी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। वन प्लस का नाम चलता है एंड आईकू अभी इस लीग में नया है, मतलब इतना भी नया नहीं है, एंड इसी वजह से थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ले या ये। लेकिन मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, क्योंकि डिवाइस जब आप यूज करते हो तो उसमें फिर ए टू जेड फील आना चाहिए और किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज भी ना हो, तो उसके लिए आईकू नियो 7 प्रो है। और अगर आपको यही है कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ वन प्लस नोट 3 के साथ ही जाना है तो ये कोई बैड चॉइस नहीं है, बट हाँ परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड ये चीजें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स नहीं होती। तो ये तो मेरा अपना ओपिनियन था, बाकी आपकी चॉइस है। दोनों के जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम एंड फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।